विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक लगातार हार रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत वाली संजीवनी मिल गई है। बसपा ने यूपी की अंबेडकर नगर की कटेहरी प्रथम जिला पंचायत की सीट पर हुए उपचुनाव को जीत लिया है। यहां बसपा ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को हराया बल्कि भाजपा की तो जमानत तक जब्त हो गई। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और बसपा वैसे तो उपचुनाव से दूर रहती है, लेकिन इस बार यूपी की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की भी पहले ही ऐलान कर दी गई है। कटेहरी प्रथम वार्ड नंबर 18 जिला पंचायत सदस्य की सीट पर बसपा की धमाकेदार और एक तरफा जीत हुई है। यहाँ बसपा समर्थित दीप लता उर्फ डिम्पल गौतम ने 3,806 वोटों से सपा समर्थित प्रत्याशी को हराया। डिम्पल गौतम बसपा के जिला प्रभारी अरविंद गौतम की पत्नी है। जिला पंचायत की इस रिक्त सीट पर मंगलवार को मतदान हुआ था। ब्लॉक टांडा और कटहरी में 70 बूथ पर मतदान हुआ था। 44 बूथ की कटहरी और 26 बूथ के मतों की गिनती टांडा में हुई। इसमें बसपा की डिम्पल गौतम को 8,365 वोट मिले। सपा की कांता देवी को 4,559 मत पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं बात करें भाजपा की तो सावित्री देवी 4 अंकों में भी नहीं पहुंच सकी। कटहरी विधानसभा के उपचुनाव के ठीक पहले जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में बसपा की जीत ने कई संकेत दिए हैं। सपा को यहां करारा झटका लगा है, वहीं भाजपा को कटेहरी विधानसभा के उपचुनाव को जीतने की तैयारी में अभी से जुटी हुई है। को चुनाव जीतने की रणनीति को बदलने पर मजबूर कर सकती है। आपको बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूरब तक अलग अलग हिस्सों में होने वाले चुनाव प्रदेश की नब्ज भी बताएंगे। यही कारण है कि भाजपा सपा के साथ ही बसपा ने भी इस बार दमदार दावेदारी पेश करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि बसपा के जोर लगाने से सपा या भाजपा किसे नुकसान होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।